हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होकर तो प्यार सर अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। तो भाई आज हम वापस आए हैं सेक्टर 14 गुड़गांव के, एंड भाई आज हम आए हैं कहाँ पर? अन्ना ढोसा। भाई आपने, हम जब पिज्जा वाली वीडियो करे थे तो इन्होंने कहा कि हमारे कर सकते, तो मैंने कहा ठीक है जरूर, क्यों नहीं कर सकते यार, हमारे तो और अच्छा हमारा कंटेंट बन जाएगा। तो अगर आपने पिज्जा वाली अब तक नहीं देखी तो आप आई बटन में लिंक है, फटाफट जाके वो भी देख लो। एंड इसका मैं पहले आपको एड्रेस बताता हूँ, RBL बैंक जो है सेक्टर 14 का, उसके जस्ट एकदम सामने ही है अन्ना ढोसा करके। एंड भाई लाइक आज हम इनका डोसा ट्राई करेंगे एंड रिव्यू बताएंगे कि कैसा है, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, एंड आपको और भी नई चीजें जैसे अभी हमने सुना इन्होंने और भी नई चीज बताई तो वही है। एंड अभी आपको साइड में यहाँ पर दिख भी रहा होगा इनका मेन्यू, भाई बहुत तरह के डोसा है, 55 टाइप ऑफ डोसा भी ये कहते हैं कि 55 टाइप है, एंड ये बोलते हैं जो बोलते हैं करते हैं। तो आपको साइड में दिख रहा होगा, आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो एंड यहाँ आना चाहो प्लीज वेलकम। तो अभी फिर चलते हैं पहले मेकिंग की तरफ, जो हमने बोला है, हमने बोला है मैसूर बटर मसाला डोसा, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, सो मैं कहा चलो फिर फटाफट बना दो इसी बात पे। एंड विनय आज है जो मेरे साथ करेगा, आजा भाई। हेलो, आपने पिज्जा वाली वीडियो देख ली होगी, फटाफट मैं को इतना लगता है। कोई बात नहीं भाई, हार जीत लगी रहती है, अभी पिछली वीडियो में मैं हार गया था वियो फूड वर्सेस, कोई क्या ही बात है। तो आज ये हम दोनों लाइक ट्राई करेंगे एंड ऑनेस्ट रिव्यू देंगे कि आप कैसा लगा और क्या है, और पहले देख लेते फटाफट से मेकिंग। तो ये हमारा डोसा लग रहा है भाई, आप देख सकते हो अंग्रेजी इसमें क्या क्या, इसमें क्या क्या है मैसूर वाले में? मैसूर में वेजिटेबल में है प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, नारियल की चटनी है, और हम बनाते हैं मैसूर का अलग सा मसाला बनाते हैं। अच्छा, लहसुन अदरक और प्याज टमाटर चने दाल के अलग से। अच्छा, वो डालते हैं वही डालते हैं। अच्छा, में तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड द प्लेटिंग दे डन इज रियली नाइस। तो भाई ये हमारा डोसा कितना खड़े लग रहा है, एंड ये कौन सी वाली लस्सी है? मैंगो लस्सी। सो ये भी हम ट्राई करके बताएंगे भाई कि कैसा है। बाय द वे प्लेटिंग बहुत अच्छी कर रखी है इन्होंने। ज़्यादा तीखा भी नहीं है एंड ज़्यादा मसाले भी नहीं है, सांभर भी तीखा बिल्कुल नहीं है, जो टेस्ट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। एंड मुझे जो ये गार्लिक की चटनी होती है भाई बहुत अच्छी लगी, मेरे को मेरी फेवरेट होती है गार्लिक वाली, तो वो मिल जाए। मैं कोकोनट की नहीं खाता, घर में भी खाता, तो कोकोनट के भाई ये बताएगा ट्राई करके, मैं नहीं बता सकता। बढ़िया, जैसे मैं ठहरा थोड़ा स्पाइसी खाने वाला बंदा, तो मेरे लिए मुझे हल्का कम लग रहा है, बट अदरवाइज अगर कोई कम खाता है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब पहले डोसा खा लेते हैं, उसके बाद आपको देते हैं मैंगो लस्सी का रिव्यू। तो भाई हमने फाइनली डोसा सारा खा लिया, टेस्ट वॉज डैम गुड। लाइक मैं थोड़े दो तीन दिन से नमक ज़्यादा खाता था तो मुझे हल्का कम लगा, बट विनय से पूछा उसका भाई परफेक्ट है, मैंने सब तो ठीक है, एंड जो हरी मिर्च ज़्यादा की थी वो टेस्ट बहुत माइंड ब्लोइंग, मैसूर मसाला डोसा था। एंड तो अब चलते हैं मैंगो लस्सी की तरफ। लाइक मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा, जो मैंगो का हल्का टैंगीनेस होता है ना, जो टैंगीनेस का फ्लेवर है वो एकदम लाइक स्पार्क सा करता है, जैसे पीने के बाद ना एक सेकंड के अंदर स्पार्क करता है, वो बहुत ऑसम है। एंड
बोला जो था इन्होंने लाइक बात हुई थी मेरी, टेस्ट वाज माइंड ब्लोइंग। मैंगो का जो टैंगीनेस आता है बहुत ऑसम आ रहा है इसमें, एंड गार्निशिंग भी बहुत अच्छी है। विनय से पूछते हैं कि भाई कैसा लगा? लस्सी थी वो पिलाई थी। तो सर आप बताइए लाइक आप कब से क्या कर रहे हो, कैसे है? आपको नई नई डिशेज मिलेंगी, आपको मसाला डोसा में सारी अच्छी अच्छी वैरायटी आपको मिलेगी। वो हमारी तैयारी तो विद इन 1 या 2 वीक हमारा सारा काम कम्प्लीट हो जाएगा। अच्छा, और जैसे मैंने लाइक बताया था आपने की 55 टाइप ऑफ डोसा, हाँ जी, तो लाइक अभी तक इतने कोई नहीं दे पाया, तो आप कैसा क्या नई चीजों को ला रहे हैं? यही हम नया करने के लिए ला रहे हैं कि जो वैरायटियां अभी तक कोई दुकानदार नहीं दे पाया है उसको हम लोगों को करना चाह रहे हैं कि लोगों को करना है। अच्छा, जैसे कि स्पॉन्ज डोसा हो गया, चिली मसाला डोसा हो गया, कुछ ऐसे टेस्ट जो अभी तक डोसा में बहुत कम लोगों ने सुने होंगे या टेस्ट किए होंगे। एक चिली मसाला, मैं खुद पर्सनल सुनो चिली पनीर हमने खाई है, चिली पनीर वाला डोसा अगर मिलेगा तो क्या ही टेस्ट आएगा उसका। सही है, सोच के मुंह में पानी आ रहा है। एंड लाइक बहुत हमें टेस्ट अच्छा लगा। एंड जैसे मैंने बताया कि आरबीएल बैंक जो है सेक्टर 14 का, उसके एकदम अपोजिट में है। एंड सर टाइमिंग क्या आपकी? सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप कभी भी आ जाओ फ्रेंड, लाइक इस टाइम आपको मिलेगा। एंड सर शेक लाइक आपने लस्सी पिलाया मैंगो लस्सी, बहुत जो टैंगीनेस आता है मैंगो का जो टैंगीनेस होता है वो इतना अच्छा आ रहा था, लाइक मजा सा आ गया पी कर। अभी तो हमारे पास 6 तरीके की लस्सी है। अच्छा, मैंगो स्ट्रॉबेरी ब्लैक करंट, इसमें एक मसाला लस्सी भी है और रोज, और एक जो क्लासिक लस्सी नॉर्मल जो व्हाइट कलर में चलती है वो भी है। तो टोटल हमारे पास अभी 6 तरीके की लस्सी है, और एक लस्सी अभी और हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खट्टी मीठी लस्सी। खट्टी मीठी, अच्छा, अभी मतलब सुन के थोड़ा खट्टा मीठा सा लग रहा है, तो खट्टी मीठी लस्सी भी होगी। अभी टेस्ट हम खुद करते हैं, और कुछ जो हमारे कस्टमर रेगुलर हैं जो कि हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं, चाहे वो कॉफी के लिए आए चाहे लस्सी के लिए आए, तो जो हम टेस्ट बनाते हैं पहले ऐसे टेस्ट कराते हैं, जहाँ पर रिव्यूज अच्छे मिलते हैं फिर उसे ऐड करते हैं। तो अभी जो मसाला लस्सी भी है उसके अंदर टेस्ट आपको कुछ कुछ आम पन्ना का मिलेगा। 6 टेस्ट में अभी हमने लस्सी बनाई हुई है, और बस हमने जो मटेरियल तैयार किया वो ऐसा है कि इससे शेक भी बन जाता है लस्सी भी बन जाती है, दोनों काम हो जाते हैं। और हमने कॉफी के अंदर भी एक और नई चीज शुरू करी है कोल्ड कॉफी में, जिसमें नाम हमने दिया MYOT, मेक योर ओन टेस्ट। अच्छा, तो जितने भी ये मटेरियल है इसको आप बेस तरीके से बनाकर, यानी कॉफी तो बेस रहेगा बट इसका जो बैकग्राउंड टेस्ट है वो आप उसमें ले सकते, मतलब हम कुछ भी उसको चूज कर देंगे, मुझे इस टेस्ट का चाहिए, तो आप उस चीज को कॉफी में बना के हमें दे दोगे। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, मतलब लाइक हम जो बोलेंगे उसको हमें मतलब ऐसा कॉफी में मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना, जैसे कॉफी कैफे डे हो गया इन सब में हो गया कि भाई बहुत महंगे हैं वो सब होता है। एंड सर आपकी कॉफी का क्या प्राइस है इसका, मिनिमम टू मिनिमम? इसका जो मीडियम साइज रहता है जो अराउंड 450 ml के आसपास होता है, नॉर्मली वही चलता है। उसको अगर आप नॉर्मली ग्लास में देखते हैं जिसको कप लगाया हुआ है, ये लगभग 450 ml का होता है, इसका प्राइस हमारा 60 rupees। ओके, सो लाइक 400 ml काइंड ऑफ में आपको 60 rupees में मिल जाएगा, मतलब CCD जाओगे भाई उससे 3 गुना लग जाएगा, बट यहाँ पे इतना सस्ता। एंड भाई आपको कॉफी पीनी हो कुछ करना तो डेफिनेटली यहाँ पे आ सकते हो, लाइक भाई और बहुत अच्छा है। तो भाई थैंक यू सो मच सर आपने हमें बुलाया, एंड डेफिनेटली और मौका, अब जब नई चीज आप लाओगे बुलाना होकर आएंगे वापस, तब चैलेंज करने आएंगे, अभी तो चलो रिव्यू करने आए थे भाई ने चैलेंज किया है, यहां भी चैलेंज करने के लिए आए थे, मतलब वाह भाई वाह। तो ये जैसा कि आपने देखा भाई रिव्यू वगैरह मैंने सब दे दिया, एंड बहुत सही लगा भाई। अगर आप कभी यार डेट वेट के लिए भी आना चाहो तो डेफिनेटली आ सकते हो, यहाँ पे आराम से मस्त अपना बैठ के कर सकते हो,
कॉफी आपने अभी देखा, उन सबसे बात करी है, उन्होंने क्या कहा कि भाई आप अपना खुद की कस्टमाइज कॉफी बना सकते हो। भाई अभी तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सो ये नई चीज है एंड मुझे बहुत ज्यादा एज अ कस्टमर अट्रैक्टिव किया। सो हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छा है, डेफिनेटली कम। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में प्लस मैंने बता भी दिया, आरबीएल बैंक के जस्ट एकदम अपोजिट में है, अन्ना डोसा करके है। सो लाइक आप देख सकते हो यहाँ से भी, तो बस यहाँ पे फटाफट आओ, ट्राई करो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताओ कि आपको कैसा लगा एंड आप यहाँ पे दोबारा आना चाहोगे नहीं आना चाहोगे। नहीं, मैं तो आऊंगा, मैं तो बोल रहा हूँ अगर कभी कॉफी पीने का मन, मतलब कभी कॉफी पीने का मन किया या लस्सी नहीं ट्राई करने का मन किया, डेफिनेटली भाई मैं तो यहीं आ जाऊंगा। कौन भाई सीसीटीवी में जाके दिए 400-500 रुपए, यहाँ पे आके कितना, 60 रुपए में, 60 रुपए में खुद की कस्टमाइज कॉफी पी सकते यार, और क्या चाहिए, है कि नहीं भाई? जरूर आओ, ट्राई करके जाना। तो भाई भाई का भी आपने ट्राई करके जाना और मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना भी क्या। तो भाई लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, इसका भी चैनल है भाई, बहुत औसम बनाते हैं। इसके मेरे इस पूरी वीडियो का पीडीएफ जो है वो आपको इसके चैनल पे मिलेगा, तो फटाफट जाके देखना एंड सब्सक्राइब तो भर भर के करना, शेयर तो कर दो फटाफट, शेयर करना तो भूलना मत। इसकी वीडियो के पीडीएफ ना इसकी वीडियो से पहले आ चुकी है। सही बात है। तो बस यही बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो एंड आप यहाँ आना चाहते हो तो फटाफट आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फुल मजे में आना। तो बस ये बोलना चाहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू आपने जितना भी प्यार दिया एंड अब इसके बाद आपको देखेंगे पिछले वीडियो के बेस्ट कमेंट। तो अब चलते हैं पिछले वीडियो के बेस्ट कमेंट की तरफ। तो पहला कमेंट है तोतला गेमिंग की वजह से कि ओपी है, मतलब थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। दूसरा कमेंट है निकिता सिंह का, वाओ इतना खा लिया तुमने, मैं तो कभी ना खा पाओ। अरे कोई नहीं यार, हम सिखा देंगे खाना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अखिल, उतना स्पाइसी नॉर्मल था क्वांटिटी के हिसाब से, भाई यार एक बार तू खुद ट्राई कर एंड उसके बाद मुझे प्लीज बताया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अरुणा सिंह, नाइस वीडियो बाय द वे, डू मटन ईटिंग चैलेंज श्योरली अरुणा, आई विल डू मटन ऑल्सो, बिकॉज बहुत टाइम है मैंने खुद नहीं खाया एंड अभी मेरा दोस्त जो था पंजाब से आ चुका है, सो उसके साथ तो डेफिनेटली करूंगा करूंगा। रंजीता बहरा, डोंट यू थिंक दैट यू शुड यूज माइक, आई विल गॉट ग्रेट इन्वॉल्वमेंट इन योर चैनल बिकॉज बीच बीच में कम सुनाई देता है एंड कीप इट अप। थैंक यू सो मच रंजीता, एंड श्योर मैं अपनी नेक्स्ट वीक से जो भी मेरी सारी वीडियोज आएगी उन सब में माइक का यूज करूंगा ही करूंगा। फूडीज वर्ल्ड, भाई मिर्ची कम खाया कर, आई वॉज लिटरली स्केयर्ड जब तूने इतनी मिर्ची डाल दी, कोई ना नेक्स्ट टाइम बीट करेगा तू वीवा वालों को, आई एम श्योर, नाइस ट्राई, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फूडीज वर्ल्ड, भाई यार इतनी मिर्ची चलते थे, मैं तीखा खाता हूँ सो मेरे लिए उतना ठीक था, मेरे को उतना लगा नहीं एंड हाँ नेक्स्ट टाइम पक्का मैं उनको बीट करूंगा। अपूर्वा गोंद, वो दैट स्पाइसी मैगी यार, ये वो स्पाइसी था, मजा आया था खाने में। तो नंदनी, स्पाइसी कैसे खा लेता है, बाय द वे नाइस वीडियो डूड। थैंक यू सो मच नंदनी, बस टैलेंट है, कभी घमंड नहीं किया। वीसी मोटर हैक्स, अरे भाई 4 चम्मच तीखी मिर्ची बाकी मस्त है ब्रो, अरे यार 4 चम्मच है कोई दिक्कत नहीं है, मस्त फुल मजा आया मेरे को तो। शिव्या छतवाल, वाओ स्पाइसी मैगी दैट टू मिडनाइट चैलेंज ऑसम मैन, दैट टू वन डे व्लॉग, सो उसके लिए आपको जरूर लाइक एंड कमेंट बनता है एंड नेक्स्ट टाइम यू विल श्योरली बीट। थैंक यू सो मच शिव्या एंड डैम श्योर आई विल बीट देम ऑल्सो। अंकुश महेश्वरी, नाइस जय, गुड वर्क, थैंक यू सो मच जिया जी। श्वेता ठाकुर, हैड्स ऑफ इतना स्पाइसी हॉट प्लस हॉट खा लिया, बहुत बढ़िया यार, अगर थैंक यू सो मच श्वेता। हाँ थैंक, हैंड्स ऑफ वाली बात नहीं यार, खाने के लिए कोई भी हद तक कोई तीखा आता है तो, एंड हाँ मुझे मजा तो भर भर के आया था क्या ही बताओ। दीपा लकोटिया, इतना स्पाइसी कैसे कोई खा सकता है, सुपर, नेक्स्ट गोलगप्पा चैलेंज। मामी जी मैं खा सकता हूँ क्या ही बताओ, एंड नेक्स्ट गोलगप्पा श्योरली, अब मेरा कॉलेज खुलने वाला बहुत टाइम है तो उसका भी एक ब्लॉग देखेगा आप लोगों को एंड ऑल्सो की गोलगप्पा चैलेंज पक्का करूंगा एंड मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ खाली से गोलगप्पे के लिए। गेमिंग फीवर FF, लगे रहो ब्रो, कीप इट अप, थैंक यू सो मच गेमिंग एंड थैंक यू सो मच आपने मेरी वीडियो देखी। खुशी सिंह, बेस्ट ब्रो, थैंक यू सो मच खुशी। अर्पित गुज्जर, नाइस ब्लॉग भाई, गुड वर्क, थैंक यू सो मच अर्पित एंड श्योरली आई विल मेक दिस
दिस काइंड ऑफ वीडियो मोर टू यू टू ऑल ऑफ यू. मीनाक्षी कुमारी सुपर्ब, थैंक यू सो मच. रंजिता भैरा बहुत अच्छा था, वॉन्ट पार्ट टू ऑल्सो विद रेड स्पाइसी नूडल. श्योरली जितनी जल्दी हो सकेगा मैं रेड स्पाइसी नूडल एक ओवर लेके आऊंगा एंड इस टाइम मैं पक्का जीत के दिखाऊंगा. जतिन सोनी वर्ल्ड बेस्ट व्लॉगिंग चैनल, लविंग सीइंग योर वीडियोस, थैंक यू सो मच जतिन. एंड यार अभी इतना तो नहीं बट हाँ थैंक यू सो मच. एंड आपको मेरी वीडियो पसंद है उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. एंड अगर आपको मेरी वीडियो लाइक तो अच्छा फिर लाइक कर देना, कमेंट करना एंड शेयर करना तो भूलना मत. तो बस यही बोलना चाहूँगा एंड आपके पास जो भी आइडियाज हो फटाफट कमेंट बॉक्स में डाल दो, आगे मैं परफॉर्म करूँगा जरूर. तो बस यही बोलना चाहूँगा, बाय बाय. We'll be right back.